गाइस फिर से स्वागत है एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा गाइस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेट प्लेन के ऊपर। तो गाइस जेट प्लेन कैसे बना? तो गाइस जेट प्लेन आज से पहले करीब 20 साल पहले एक लैब में जेट इंजन तैयार किया था। तो गाइस वही आज सेम मेथड आज हम इस वीडियो में आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो गाइस आज हम जेट प्लेन बनाने के लिए जो जो इक्विपमेंट और सामान की जरूरत होगा आज हम इस वीडियो में आपको तैयार करके दिखाएंगे। बात करेंगे पहले बड़ा जनरेशन का जो जेट इंजन था, वही आज इस वीडियो में आपको तैयार करके दिखाएंगे। चलिए जेट इंजन तैयार करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जेट इंजन बनाने के लिए हम छोटा सा सेटअप किया है, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा सेटअप। तो गाइस जेट इंजन बनाने के लिए जो पहले जरूरत होगी एक मोटर की, मतलब BLDC मोटर जो काफ़ी तेज़ी से घुटता है। तो गाइस और चाहिए एक, आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा हमने बोतल के साथ मॉडिफिकेशन करके रखा है। ये जो बोतल होता है ये सिंपली हमारा जो पॉपुलर है पॉपुलर के अंदर ऐसे सेट कर देंगे। और जेट इंजन का जो चेंबर होगा, तो गाइस चेंबर के लिए हम यूज़ करेंगे एक मिरर, मतलब शीशा का। तो गाइस शीशा आप लोग ये जरूर आपको आपका घर में एक बार जरूर यूज़ करते होंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो शीशा होता है बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर सहन कर लेता है। तो गाइस ये ऐसे सेट कर। और चाहिए एक कॉपर का पाइप, आप लोग देख सकते हैं कॉपर का पाइप के ऊपर हम छोटा छोटा छेद किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कॉपर का पाइप इसीलिए यूज़ करेंगे आज हम, क्योंकि इसके अंदर से LPG गैस जाएंगे हमारा जो कंबस्टन चेंबर के अंदर। तो गाइस और भी चाहिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में, तो गाइस का बैटरी चाहिए। ये जो हमारा BLDC मोटर है इसको चलाने के लिए, तो गाइस ये हमारा मोटर आप लोग देख सकते एक 4 एम्पीयर का ये बैटरी है। तो गाइस यही बैटरी है इस मोटर को चलाने के लिए। तो गाइस चलिए इस वीडियो में और भी चीज़ चाहिए, तो सबसे इससे भी ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ चाहिए वो आप लोग देख सकते हैं, एक LPG गैस सिलेंडर चाहिए। तो गाइस LPG गैस सिलेंडर के साथ हम बहुत बड़ा और छोटा सा मॉडिफिकेशन करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोग देख सकते हैं पाइप, मतलब ये जो पाइप है और ये जो कॉपर का वायर है इसके साथ सेट करेंगे। इसके साथ सेट करते ही इसके अंदर से LPG गैस जाएगा, गैस जाते ही हमारा अंदर से एक स्पार्क करेंगे, वो स्पार्क करेंगे। आइडिया मुझे मालूम ही नहीं था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो एक सेटअप है आप लोग देख सकते हैं हमने बनाया है, और ये एक स्पार्क प्लग, जैसे हम इसके अंदर से ये जो स्पार्क प्लग डालेंगे आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये जो जेट इंजन है बैक में जो प्रेशर बनेगा इससे क्या होगा, हमारा जो जेट इंजन है सामने की तरफ बढ़ेगा। तो गाइस ये जो वीडियो है बनाने में बहुत मेहनत लग गया, तो गाइस इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो इस वीडियो के लिए। तो गाइस चैनल में नया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए एक साथ इन सभी को सेटअप करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जेट इंजन क्या काम कैसे काम करता है। I was like,
आप लोगों ने देखा कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो बास्ट हुआ था उसके अंदर जो प्रेशर बना था, तो गाइस इस प्रेशर से हमारा जो सेटअप है पूरी ध्वंस हो गया है। तो गाइस ये जो वीडियो है, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और ये जो जेट इंजन है, फर्स्ट जनरेशन का जेट इंजन है, आप लोगों को हमने दिखाया है। ये फर्स्ट जनरेशन का जेट इंजन जब कई साइंटिस्ट में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऐसे ही हाल हुआ था। तो गाइस आज हम इस वीडियो में वही देखने की कोशिश कर रहा था। एक्स को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस मिलता हूँ एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में।